वेलकम टू एमएससी एग्ज़ाम्स। हाई स्कूल में 32,714 पदों पर होनी है भर्ती। शिक्षक बहाली काउंसलिंग आज 20,000 पदों पर रहेंगे 20,000 पद रहेंगे खाली। चलिए देखते हैं क्या है पुरानी न्यूज़। साइंस, अंग्रेजी और गणित में नहीं मिल रहे शिक्षक। राज्य में छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग सोमवार से होगी। चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को दी जाएगी। सोमवार को नगर निगम नियोजन इकाई के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। नगर परिषद और नगर पंचायत नगर नियोजन इकाई के लिए 26 जुलाई व जिला परिषद के लिए 27 जुलाई को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। दिन में 10 से 3 बजे तक काउंसलिंग का समय निर्धारित है। रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की उपलब्धता काफ़ी कम है, खासकर विषय और आरक्षण के हिसाब से। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और विज्ञान विषयों में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। लगभग 20,000 सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिल सकेंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 26 को। छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाइयों की अनुमोदित अंतिम मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं चयन 26 जुलाई को की जाएगी। नियोजन इकाइयों और नगर परिषद मसौड़ी में 14 जुलाई और नगर पंचायत खुसरूपुर एवं फतुहा में 15 जुलाई को किया गया था। अब मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जाँच राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने रविवार को सूचना जारी कर दी। अनुमोदित अंतिम मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं चयन 26 जुलाई को नगर परिषद मसौड़ी, नगर पंचायत फतुहा खुसरोपुर में KB सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरुल्लाहपुर पटना में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगी। यानी कि छठा चरण का जो हाई स्कूल की बहाली है वो अंतिम पड़ाव पर है। सोमवार से यानी आज से शुरू होकर के ये 27-28 को ख़त्म हो जाएगा और 30 जुलाई को नियोजन पत्र या नियुक्ति पत्र जो है वितरण कर दिया जाएगा।